हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम लोगों ने पहले पार्ट पे पढ़ा था बाबर के बारे में, जो फिर उसका ये पुत्र है हुमायूं। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हुमायूं मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो हुआ था। और उनकी 1530 में पिता की मृत्यु के बाद, जब ये 23 वर्ष के थे, 1508 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था 6 मार्च। और जब ये 23 वर्ष के हो गए, जब इनकी उम्र 23 वर्ष की हो गई, तब ये पिता की जगह अपने राजगद्दी को संभाले, यानी मुगल वंश को संभाला। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, तो इनका जो बेटा था अकबर, फिर इन्होंने एक बेटी का जन्म, हमीदा बानो बेगम ने एक बेटी को जन्म दिया था 1542 ईस्वी में। तो उनके उनके बेटा का नाम था, क्या नाम था, हुमायूं के अकबर। ठीक है, जिसने अकबर को जन्म दिया था। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंकर रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की आत्मकथा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा की रचना की थी, जो कि हुमायूं की बहन ही थी। जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी। हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थी। हुमायूं लोग के 3 भाई और 1 बहन थी। इनकी माता का नाम महम बेगम था। किसकी, हुमायूं के माता का नाम महम बेगम था। इनके 3 भाई थे और 1 बहन थी, जिसमें से 3 भाई में से 1 कामरान। कामरान जो था उसको काबुल साम्राज्य, गंधार और पंजाब को सौंप दिया था पंजाब। और अस्करी जो था उसको संभल साम्राज्य सौंपा गया था। और हिंदाल जो था, हिंदाल को मेवात साम्राज्य दिया गया था संभालने के लिए। हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे अफगान समस्या और कमजोर सैन्य व्यवस्था और हुमायूं के भाई, ये सब थे, इनमें ये इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अफगान यानी जो अफगान समस्या थी, अफगानिस्तान के जो लोग थे, मतलब कि जो सेना थी, उन पर आक्रमण करती थी, क्योंकि सैन्य व्यवस्था सही ना होने के कारण। कमजोर सैन्य व्यवस्था क्या थी, कि जब इनका कोष जो था यानी जो पैसा था उनका कम था, इसलिए वो अपनी सेना को नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो इसलिए उनकी सैन्य व्यवस्था कमजोर हो गई। और ये हुमायूं के जो भाई थे, और क्योंकि उनको उन्होंने अपने भाइयों को साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, इसलिए उन्हें और कमजोर होना पड़ा। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, जो कालिंजर का युद्ध था, वो पहला 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था। दोहरिया का युद्ध 1532 में महमूद लोधी के बीच लड़ा गया था। दोहरिया का पहला युद्ध, कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, और दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोधी के बीच लड़ा गया था, जिसमें। और चुनार का प्रथम घेरा क्या था, चुनार का प्रथम घेरा जब युद्ध हुआ था तो 1532 ईस्वी में शेर खां के अधीन था, यानी जो चुनारगढ़ था वो किसके अधीन था, वो शेर शाह के अधीन था। ठीक है, हुमायूं 4 महीने तक किले को घेरे रखा था, यानी जो चुनार का प्रथम घेरा था वो लगभग हुमायूं 4 महीने तक घेरे रखा था, लेकिन फिर भी हुमायूं जीत नहीं सका था। मालवा एवं गुजरात 1534 से 1535 ईस्वी तक हो गया, लड़ा गया, लेकिन हुमायूं उसको, किसको, मालवा का युद्ध जीत गया था। चुनार का द्वितीय युद्ध 1537 ईस्वी में गयासुद्दीन बंगाल पर अधिकार कर लिया, यानी 1537 ईस्वी पर जो चुनार का दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो बंगाल पर किसने कब्जा कर लिया था, हुमायूं ने कब्जा कर लिया था, इसलिए क्योंकि ये बंगाल से बिहार से वापस कहाँ जा रहे थे, दिल्ली वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने ये सोचा
ये कमजोर है, हिमालय कमजोर है, इसलिए उन्होंने फिर आक्रमण कर दिया था। अब चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हिमालय और शेर खां के बीच हुआ था, जिसने शेरशाह की अपने शेरशाह सूरी की उपाधि अपने आप में धारण कर ली थी। शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी के भी लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो और जो इनकी अब फिर इनको 1500 इनकी जो मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? हुमायूं की 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? ये सीढ़ियों से गिरकर मंडल पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से फिर अब इसके बाद इनका जो सिंहासन था वो इनके बेटे अकबर संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगली वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।